गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई आपकी? एक बार बताना, अगर किसी बच्चे की क्लास स्टार्ट हो गई है तो एक बार मुझे बताएगा। हेलो हेलो, हेलो एवरीवन। सबसे पहले हमारे पास में कमेंट आ गया है बजरंगी जी का। बाकी जैसे जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होती रही भाई बताते रहना, है ना। थोड़ा सा आज आपकी क्लास में कुछ इंटरनेट की समस्या आई थी और आपको मैं एक बताता हूँ ईमानदारी से। ठीक, आपकी क्लास शुरू होने से मैंने 3 मिनट पहले बोल भी दिया था हमारे टीम वाले लड़के को कि क्लास ऑफ डाल दी जाए क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। लेकिन जैसे मैंने उसे मैसेज डाला तभी क्लास इंटरनेट आ गया, और हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजीत कुमार, अमित ऑफिशियल, योगराज, अमित, प्रीतम, अखिलेश कुमार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है तो एक बार बताओ, फिर हम आज ही क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने पहले की 2 क्लासेस देख ली होंगी। आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर 3rd क्लास है और हम इसमें अभी क्या कवर कर रहे हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में लास्ट टाइम जो लेवल पूछा था सॉरी आपका रेलवे ने, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये बताएंगे। सब क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करो। क्वेश्चन मेटेशन दिया आपको, व्हेन रजिस्टर्स, रजिस्टर्स मैंने कल आपको बताया था कि रजिस्टर वो होते हैं जिनका कुछ रजिस्टेंस हो, कुछ प्रतिरोध हो। तो ये कह रहा है हमारे से कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला क्रम, देखो श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी क्रम, है ना। तो कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है पेपर में, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभांतर होगा। भाई आप एक चीज बताओ, जैसे आपने यहाँ पे ये 2 तार ले लिए है ना, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2। तो कह रहा है अगर आप तारों को सीरीज में जोड़ेंगे तो इनके सिरे पर जो विभांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा। तो हमने आपको बता रखा है क्लास में कि अगर तार सीरीज में जुड़े हों तो जिस रेशियो में उनका रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में ही वोल्टेज बट जाएगी। तो अगर मान लो कि आपने एक 50 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी, जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर वोल्टेज कम आएगी। यानी जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होता है ठीक उसी रेशियो में रहता है वोल्टेज, है ना। तो R1 और R2 का जो भी रेशियो होगा उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसके पे सिरे पर वोल्टेज कम। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, ओम्स लॉ क्या है, वी इक्वल टू आई आर। और हम सबको पता है कि सीरीज में तो करंट सेम रहती है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो अगर इसमें करंट आई है तो इसमें भी आई होगी, तो सीरीज में करंट रहती है सेम। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वी आर के प्रोपोर्शनल हो गया, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस तार के सिरे पर वोल्टेज ज्यादा होगी। यानी आपस में कैसे होंगे ये, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सी बताया तो आपका ठीक है, अदरवाइज आपका गलत है। ठीक है, सर्कल पर जो 20 फरवरी से बैच होगा उसमें PCM वालों के लिए है क्या? 20 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो तो भाई इसका है ना, टेक्नीशियन का के लिए वो बैच आया है, टेक्नीशियन LP के लिए नॉन टेक्निकल बैच। तो जो भी उसका फॉर्म भर रहा है वो ले सकता है उसे। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे और पढ़ते पढ़ते ही करने की कोशिश करेंगे। इसने कहा है 2 रजिस्टर्स A and B हैव रेजिस्टेंसेज 5 ओम एंड 10 ओम। तो 2 रजिस्टेंस हैं, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 5 और 10 को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, और कितने वोल्ट की बैटरी से, 5 वोल्ट की बैटरी से। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड इन रजिस्टर ए टू दैट ऑफ पावर डेवलप्ड इन रजिस्टर बी, तो जो रजिस्टर ए में पावर डेवलप हुई और जो बी में डेवलप हुई उसका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखना, मेरे पास में एक रेजिस्टेंस ये है 5 ओम का, एक दूसरा ये 10 ओम का। तो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, इसका 10 ओम, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ में, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो हम सबको पता है कि सीरीज में करंट रहती है सेम, तो जो भी करंट बैटरी से चलेगी वही करंट 5 ओम से पास करेगी, वही करेगी 10 ओम से। तो कह रहा है कि जो इसमें पावर डेवलप होगी और जो इसमें पावर डेवलप होगी उसका रेशियो बताओ। तो बेटा एक्चुअली बताओ, पावर के हमने क्लास में 3 फॉर्मूले बताए आपको। पावर का एक फॉर्मूला होता है VI, एक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा I2R, और एक पढ़ रखा हमने पावर का फॉर्मूला V2R। अब हमें पता है कि दोनों तार सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो करंट पहले में है वही दूसरे में है, यानी कि हम करंट और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हैं
तो करंट तो सेम है, अगर करंट सेम है तो पी और आर है एक ही लाइन में, यानी कि जो रेशियो होगा रेजिस्टेंस का उसी रेशियो में पावर भी डेवलप हो जाएगी। तो रेशियो निकाल लो रेजिस्टेंस का, उसी रेशियो में पावर भी डेवलप होगी। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, दूसरा कितना है 10 ओम। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो पावर का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी सी है। देखो जब कभी भी आप पावर का फॉर्मूला लगाओ तो ये ध्यान रखो, अगर तार सीरीज में जुड़े होंगे तो जो करंट होगी पहले में वही होगी दूसरे में, तो करंट तो सेम है तो पावर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर ये दोनों तार जुड़े होते हैं पैरेलल में समानांतर क्रम में तो पैरेलल में बेटा वोल्टेज सेम होती है, अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो पी और आर ऊपर नीचे होते हैं, ये होते हैं विद्युत क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में पावर बढ़ती। लेकिन यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में करंट सेम होती है तो फिर पावर और रेजिस्टेंस का सेम रेशो बनेगा। तो रेजिस्टेंस पहला 5 है दूसरा 10 है, तो रेजिस्टेंस का रेशो 1:2, तो पावर का रेशो भी हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे सभी, ये वाला क्वेश्चन करना। बाकी मैं आपके देखता हूँ कौन बच्चा ठीक कर रहा है। नायडू, भगवान, बजरंगी, प्रिंस, रविशेखर, भीम, यादव, जॉब एस्पिरेंट, शिखर, सजल गुप्ता, सवनम कुमार, मंजीत, अभिन, एडवेंचर विदराज कह रहे सर प्लीज रिप्लाई, ये क्लास एसएससी के लिए ले सकते हैं। देखो एसएससी वाले बच्चे इसे अवॉइड कर दें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा साइंस की वेटेज नहीं है ना, तो अगर आपको लेना है तो ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा उनके लिए है जिस पेपर में कम से कम 15 नंबर की साइंस तो आती हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, आप इसके अलावा अपना ALP टेक्नीशियन वाले बच्चे हो गए, CDS वाले हो गए, NDA वाले हो गए, कमांडेंट वाले हो गए, टीचिंग के एग्जाम वाले हो गए, उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन इज रेटेड 2500 वाट, तो बेटा 2500 वाट का है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2500 वाट का। कह रहा है कि द एनर्जी यूज बाई इट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में इसके द्वारा कितनी एनर्जी यूज की जाएगी। तो एक में ऑप्शन लिख रखा है 1,25,000 किलोवाट घंटा, 1,25,000 जूल, 12.5 जूल, 12.5 किलोवाट घंटा। तो काम करो ना, देखो ये हमारे पास में 2500 वाट का बल्ब है, अगर मैं इसे 5 घंटे जला रहा हूँ 5 आवर्स, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये वाट है ये घंटा है, तो इसे किलो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2.5 × 10³ लिख सकता हूँ। भाई 2.5 में 10³ की मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 ही बन जाएगा, तो यानी मेरे पास हो गया 2.5 × 10³ वाट, और साथ में लिखा है 5 घंटे। अच्छा 10³ को मैं लिख सकता हूँ किलो, तो किलो वाट हो गया इंटू 5 घंटे हो गया। अच्छा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12.5 किलो वाट, और साथ में आ गया घंटा। तो यानी कि 2500 वाट का बल्ब अगर आप 5 घंटे यूज करेंगे तो कितनी पावर कंज्यूम की जाएगी, 12.5 किलो वाट घंटा के बराबर। तो हमारा आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन, 12.5 किलो वाट घंटा। अगर आपको इसे जूल में बदलना है तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12.5 है, 1 किलो वाट घंटा का मतलब होता है 36 लाख जूल, तो जूल में तो इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर कभी पेपर में आपको ऑप्शन में किलोवाट घंटा यूज कर रखा हो ना, तो जो भी आपको वाट दे रखा है उतने वाट में घंटे की मल्टीप्लाई कर लेना, तो उससे तो आपका क्या बनेगा, केवल वाट घंटा बनेगा। अब ऑप्शन में दे रखा किलोवाट, तो किलो बनाने के लिए 10³ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे, तो 2500 को आप लिख सकते हैं 2.5 × 10³ वाट, और फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 किलोवाट घंटा बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर सी नहीं है। क्या तुम सोचोगे हर क्वेश्चन का आंसर सी ही चला रहा, तो इसका भी सी कर दो। तो राजू का डी बिल्कुल सही आंसर आया एकदम, बजरंगी ने डी बिल्कुल सही लिखा है, प्रीतम ने, भीम यादव जी भी सही लिख रहे हैं, नायडू, रविशेखर, इंदु कुमारी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलो ये करो, ये करना। देखो इसके ऊपर रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है रेलवे का, इससे बड़े क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन करो एक बार सभी। हाँ टेक्नीशियन नॉन टेक NTPC के लिए भी मोर देन सफिशेंट है। अच्छा एक मैं आपको बोलूंगा, अगर आप रेलवे में भी ना, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो NTPC में बेटा मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, यानी कि मेरा सब्जेक्ट है तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं, NTPC में भी साइंस बहुत ज्यादा भयंकर नहीं आती। साइंस का जो अच्छा वेटेज है ना वो रेलवे ग्रुप डी में है, वो असिस्टेंट लोको पायलट में है, वो टेक्नीशियन के पेपर में है, वो JEE के एग्जाम में है। NTPC में भी बहुत ही कॉमन 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, तो NTPC वालों को भी इतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो बच्चा NTPC का फॉर्म भरता है ना वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरता है, तो इसलिए आप एक ही बार तैयारी कर लो ताकि आप जिस भी पेपर में जाओ तो आपको कंप्लीट काम हो जाए। तो उसने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहचाने, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किसी सामग्री की प्रतिरोधकता सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है भाई, रेजिस्टिविटी डिपेंड ही इस बात पर करती है कि मटेरियल कौन सा है। जैसे आप सभी को मैंने क्लास में लिखवा रखा है, जैसे नहीं पता हो यहाँ पे देखना,
जैसे कि अगर आप सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है, चांदी की जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये किसकी है? सिल्वर की है। अगर आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी निकालनी है, तांबे की, तो कितनी है? यह 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसमें से पेपर में आपसे ने सिल्वर की पूछ भी रखी है, तो याद भी कर लेना इसे। तो बेटा चांदी की प्रतिरोधकता है 1.6 × 10⁻⁸, जैसे आप कॉपर लेके आए तो उसकी अलग आ गई, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है, ये इस बात पर निर्भर करती ही नहीं है कि लंबाई कितनी है तार की या उसकी मोटाई कितनी, इस पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इज इंडिपेंडेंट, हाँ ठीक लिखा, सॉरी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट, हाँ डिपेंड करती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भाई रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मटेरियल के ऊपर, तो इसलिए पहले वाला ऑप्शन सही हो गया। रेजिस्टिविटी एरिया पर या लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसे इंडिपेंडेंट है, उसे स्वतंत्र है, हाँ हिंदी में स्वतंत्र लिखा, बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर मेटल इज मोर देन, नहीं, सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल की, सबसे कम, तो रेजिस्टिविटी मेटल की सबसे कम होती है। जैसे कि हमारे पास सिल्वर कॉपर है, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ के आसपास के ऑर्डर की होती है, तो जो हमारे पास अलॉय है इनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और कुचालकों की तो बहुत ही ज्यादा होती है, और कुचालकों की मैं आपको पिछली क्लास में लिखवा भी चुका हूं। तो हमारे पास में ऑप्शन केवल कौन सा सही है? ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो रेजिस्टिविटी से ये मान के चलो, अगर आप 4 शिफ्ट लगातार देखोगे ना प्रीवियस ईयर में, कि जैसे एक ही दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, अगर आप एक दिन के 3 शिफ्ट देखोगे तो आपको हो सकता है कि 2 शिफ्ट में ही रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन मिल जाए। तो प्रतिरोधकता में ध्यान रखना, मैं दोबारा से आपको बोल देता हूं, नोट्स बना लेना, कि किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता ना उसकी लंबाई पर डिपेंड करती ना उसकी मोटाई पर डिपेंड करती, ये डिपेंड इस बात पर करती है कि आपने तार कॉपर का लिया है कि सिल्वर का, मटेरियल क्या लिया है, और साथ में टेम्परेचर। और रेजिस्टिविटी सबसे कम कंडक्टर की होती है, चालकों की, यानी कि मेटल्स की, उससे ज्यादा होती है अलॉयज की, और इंसुलेटर कुचालक की तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगले बात है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, प्रतिरोधक की एसआई इकाई किसके बराबर है? ये करो, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस जो है कि जो एसआई यूनिट है वो तो ओम है, तो ये कह रहा है कि जो ओम है वो किसके इक्विवेलेंट है। अब यहां पे एक चीज बताओ, आप सभी ने ओम का नियम पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या पढ़ा है, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां से आर निकालूं तो आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई के बराबर, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और ये ओम किसके बराबर हो जाएगा? यहां देखो बेटा, ये हम जो पोटेंशियल डिफरेंस को, विभांतर को किसमें नापते हैं? वोल्ट में, और करंट को, धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। यानी कि जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, ये 1 ओम किसके बराबर है? वोल्ट पर एम्पियर के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। तो अगर आपने इसका ए लिखा तो बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, आसानी क्वेश्चन था, खैर ये सबका ही ठीक है। एक क्वेश्चन ये कि 1 वाट इज इक्वल टू, देखो 1 वाट का हमने जिक्र क्लास में इनडायरेक्टली कर भी रखा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी किसी पेपर में पूछ लिया उन्होंने, तो आपको बताया था मैंने कि 1 वाट जो होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर। और मैंने आपको क्लास में, अगर कोई मेरे से बच्चा पढ़ा हो तो हमने इसका मतलब भी बताया था कि 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई 1 वाट का बल्ब है, 1 वाट के बल्ब का मतलब यह है कि वो बल्ब हर सेकंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, 100 जूल एनर्जी की खपत करता है। अगर कोई बल्ब 100 वाट का है तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खाएगा, अगर कोई बल्ब 60 वाट का है तो 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी खाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन बन जाएगा। ये वाला करना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूली डज नॉट रिप्रेजेंट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा कि इनमें से कौन सा हीट का फॉर्मूला नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे फिर आगे आंसर देंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चन कराए भाई, करा तो रहे भाई, एएलपी टेक का बेसिक साइंस आप नहीं करा सकते क्या, क्योंकि फिजिक्स का अच्छा बेटे। अरे एएलपी में जो टेक्नीशियन में जो बेसिक साइंस आएगी वो तो मैं करा ही रहा हूँ, वो तो कराऊंगा ही मैं, इंजीनियरिंग वाला पार्ट छोड़ के जो बेसिक साइंस के सारे टॉपिक हैं, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दे रखा हो टॉपिक में, हीट एंड टेम्परेचर दे रखा हो, वर्क पावर एनर्जी दे रखा हो, यूनिट दे रखा हो, मोशन दे रखा हो, सारे के सारे कराऊंगा मैं बैच में, और इवन मैं आपको यहाँ भी करा रहा हूँ यूट्यूब पे भी ना। तो देखो आपको बेटा पता है कि हीट के हमारे पास में 3 फॉर्मूले होते हैं, हीट का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है VIT, एक हीट का फॉर्मूला है हमारे पास में I²RT, और एक हीट का फॉर्मूला है हमारे पास में V²RT। 3 फॉर्मूले हीट के हमारे पास में। अब यहाँ पे देखना V²RT तो हीट का फॉर्मूला है ही, VIT भी सही है, I²RT भी सही है, पर IR² ये तो मैंने कोई फॉर्मूला आपको पढ़ा ही नहीं,
तो यानी कि ये गलत दे रखा, यही हमारा आंसर है। देखो जैसे हमारे पास में पावर के तीन फॉर्मूले हैं, ऐसे हीट के भी तीन फॉर्मूले हैं। पावर का एक फॉर्मूला क्या है, वी आई, एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में, पावर के तीन है हीट के, ठीक है। अरे बात समझ में सभी को, अगले पे आते हैं। ए बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ ए, खाली जगह दे रखी है मेटल विद खाली जगह मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो कैसे मेटल का बनाया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मेटल का और मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए। एक में रखा कि स्ट्रॉन्ग मेटल का लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ऐसे आपके पास में चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है। देखो बल्ब का जो फिलामेंट है आप सभी को पता होता है टंगस्टन का, टंगस्टन, और टंगस्टन का बनाते हैं। एक तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, टंगस्टन जल्दी से मेल्ट नहीं करता, इसका गलनांक बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि बल्ब पूरा ग्लो भी कर रहा हो तो भी ये जल्दी से गले ना, है ना। हम एक बार बल्ब खरीद लें तो पूरे जीवन भर चलता रहे, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी इसका बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होगा तो तार जल्दी गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो जिस ऑप्शन में रखा उसने कि मेल्टिंग पॉइंट लो, वो ऑप्शन तो गलत हो गया। टंगस्टन एक स्ट्रॉन्ग मेटल भी है और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, हाई। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इसका ए ऑप्शन। तो अगर आपने इसका ए लिखा तो ठीक है, जिन बच्चों ने बी लिखा उसका तो बिल्कुल ही गलत है। बजरंगी इतना गंदा आंसर कैसे दे रहे भाई, बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ ए मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो सबसे ही वाहियात क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ही मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री के आसपास। अगर इसे आपको गलाना है तो 3400 डिग्री के आसपास लेके जाना पड़ेगा, तब जाके गलेगा ये। जब कोई बल्ब पूरा ग्लो कर रहा होता है ना, कोई बल्ब 220 वोल्ट पे लगा हुआ, आप जब पूरा ग्लो कर रहा है उस समय उसके फिलामेंट का टेम्परेचर 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, 2500-2500, तो गल जाएगा कोई भी चीज इतने टेम्परेचर पे, लेकिन टंगस्टन नहीं गलेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ये करना, क्वेश्चन नंबर 8 करो। रॉन्ग टाइप हो गया था सर, क्या आज ही कल आप कोई चीज इतना आसानी समझा देते हैं कि टीचिंग स्टाइल लाजवाब है, राहुल राज कह रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। बाकी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। एक ये टीचरों के ज्यादा ना भाव बढ़ाने बंद करो, है ना। अपना जो कोई टीचर पढ़ा रहा पढ़ो और अपना निकल लो, अपना काम निकालो। केवल ये लिखा है इसमें, टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट एंड 25 वाट। देखो एक बल्ब है 100 वाट का, एक है 25 वाट का। कह रहा है कि एट ए गिवन वोल्टेज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए टू दैट ऑफ बी, टू बल्ब ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट एंड 25 वाट रेस्पेक्टिवली एट ए गिवन वोल्टेज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो ये कह रहा है कि भाई कोई एक किसी गिवन वोल्टेज पर, जैसे मान लो कि मैंने वोल्टेज मान ली 220 वोल्ट, कि 220 वोल्ट मैंने ऐसे मान लिया, माना लेट कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट की है और एक बल्ब की पावर है 25 वाट की। तो कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है रेजिस्टेंस का, बल्ब ए और बी का। तो भाई आप एक चीज बताओ, पावर के हमारे पास में तीन फॉर्मूले हैं, एक है वी आई, एक है आई स्क्वायर आर, एक है वी स्क्वायर बाई आर। अब कह रहा है कि दोनों जो बल्ब है ना 220 वोल्टेज पे, इसकी पावर है 100 वाट की, इसकी पावर है 25 की, यानी कि वोल्टेज हमें दे रखी है सेम। अगर वोल्टेज सेम दे रखी है तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वोल्टेज सेम हो तो फिर पावर और रेजिस्टेंस होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में पावर जाएगी। तो या आप ये कह सकते हैं कि जो पावर का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में रेजिस्टेंस होगा। तो पावर का रेशियो क्या दे रखा है आपको, पहला जो बल्ब है उसकी पावर दे रखी है 100 वाट की, दूसरे बल्ब की पावर दे रखी है 25 वाट की। तो 25 × 25 = 100, अगर पावर का रेशियो जो है वो 4:1 है तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो इसका उल्टा आएगा, 1:4 का आएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या क्या होती है, जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं पावर का तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, बड़े ध्यान समझना। अगर कभी भी ऐसा हो कि दो बल्ब सीरीज में जुड़े हों, भाई सीरीज का मतलब क्या है कि दोनों में करंट सेम होगी, अगर करंट सेम है तो फिर आप कहेंगे पावर और रेजिस्टेंस होते हैं समानुपाती प्रोपोर्शनल, तो जो रेशियो पावर का वही रेशियो रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर वोल्टेज सेम हो, ये कह रहा है कि सेम वोल्टेज पर एक बल्ब की पावर 100 वाट की, एक की 25 वाट की है, अगर बेटा वोल्टेज सेम है तो फिर पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो पावर के उल्टा रेशियो आएगा रेजिस्टेंस का रेशियो। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि अगर बल्ब सीरीज में जुड़े हैं यानी कि दोनों में करंट सेम है तो जिस रेशियो में पावर उसी रेशियो में रेजिस्टेंस, अगर बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो वोल्टेज सेम होगी तो जो पावर का रेशियो उसका उल्टा रेशियो रेजिस्टेंस का रेशियो बनेगा।
तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट सेम है कि वोल्टेज सेम है। तो उसने कहा कि गिवन वोल्टेज पर, यानी वोल्टेज कोई मान लीजिए 220, तो इस सेम वोल्टेज पर एक बल्ब की पावर है 100, एक की है 25, तो सेम वोल्टेज पर अलग अलग पावर है। तो जब वोल्टेज सेम होती है तो फिर पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं विद्युत क्रमानुपाती। तो इसलिए मैंने क्या कहा, पावर का रेशियो मेरे पास था 4:1, तो इसलिए रेजिस्टेंस का रेशियो आया 1:4। आई होप कि अभी आप बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अरे हाँ या ना, सही हो गया राहुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज प्रिफरेबली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, वैद्युत परीक्षण लाइनों के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का अधिमान्यता उपयोग किया जाता है। नहीं कह रहा कि वो कौन सा मटेरियल है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम किस तार का यूज करें। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे घरों में कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, जनरली हम कॉपर का, टंगस्टन का, तो भाई बल्ब का फिलामेंट यूज किया जाता है बस, क्योंकि फिलामेंट जो होता है बहुत ही रेजिस्टेंस हाई होता है, जल्दी गर्म हो जाए। नाइक्रोम यूज करते हैं हम हीटर में, तो अगर हीटर में पूछेगा तो नाइक्रोम, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम होता है। बल्ब में क्या होता है हमारे पास में टंगस्टन होता है, और लेड और टिन के अलॉय का बनाते हैं हम फ्यूज, तो फ्यूज बनाया जाता है लेड और टिन के अलॉय का, ठीक है। तो उसने ट्रांसमिशन लाइन जो घर में ना बल्ब को जो स्विच से जोड़ रही है, जो ट्रांसमिट कर रही है लाइट को, ट्रांसमिशन के लिए कॉपर बढ़िया है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए टंगस्टन, हीटर के लिए नाइक्रोम, और फ्यूज के लिए लेड और टिन का अलॉय, है ना। इसमें जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइक्रोम में क्या क्या रहता है, तो नाइक्रोम में निकल रहता है, क्रोमियम रहता है, इसके अंदर मैग्नीज रहता है, और Fe आयरन लोहा रहता है, मजबूती देने के लिए होते हैं लोहा और मैग्नीज। तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe यानी कि लोहा, ये नाइक्रोम के अंदर होते हैं। ये करो क्वेश्चन नंबर 10, सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि 5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है जब उसे 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाए। तो आपको पावर बतानी है इलेक्ट्रिक डिवाइस की। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, वी आई, एक पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, एक पावर का फॉर्मूला है हमारे पास में वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है जब उसे हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट की लाइन से, तो पावर बताओ क्या होगी। तो इस बार देखो आपको रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज नहीं कर सकते, वी और आई दोनों दे रखे हैं, तो वी और आई दे रखे हैं, तो पावर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो पावर क्या होती है, पी इज इक्वल टू वी आई, तो वी है 220, करंट है 5, तो कितना आ जाएगा ये 22 × 5 = 110 और 10 ये, यानी कि इतने वाट आ जाएगा। तो हमारे पास में आया 1100 वाट, तो 110 वाट तो आंसर नहीं होगा, 440 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 1.1 किलो वाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो जब 1.1 में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 ही तो बन जाएगा, यानी कि बी हमारा आंसर है। तो कई बार पेपर में आपसे गलत कराने के लिए ऑप्शन बनाया उसने, ये 1100 आया, बहुत सारे बच्चे देखेंगे अच्छा 110 रहा होगा, वो इस पर टिक लगा देंगे। भाई 1100 वाट का मतलब है 1.1 किलो वाट, किलो होता है 1000, तो 1.1 में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 बन जाएगा। तो कई बार आप सोल्व भी कर लेंगे तब भी आपसे गलत करा देगा पेपर में। तो जिन बच्चों को 1100 वाट आया है, रवि, बजरंगी, राजू, अमित, मणिकांत, प्रीतम, राहुल, नंदा, इन सबका बिल्कुल ठीक है। अजय बताओ भाई, जो बच्चे डेली क्लास ले रहे हैं, जो हम ये सीरीज चल रही है अभी, ये मतलब ठीक है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि नहीं है, कैसा आपको लग रहा है, सीख पा रहे हैं इससे। देखो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ चीजों का जानकारी है ना, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको फायदेमंद लगे तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, और जब मैं बाद में सबके कमेंट भी पढ़ता हूँ बच्चों के, जो बाद में क्लास देखते होंगे तो कमेंट जरूर कर दिया करें, मैं सबके कमेंट देखता भी हूँ और कई बार उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, तो जरूर बता देंगे एक बार ना। गुरुजी एलपी टेक्नीशियन का फिजिक्स स्पेशल बैच नहीं है क्या, एक बार और पढ़ना चाहते हैं। अभी देखो MS कुशवाहा जो साइंस स्पेशल 25 आया ना लेटेस्ट, काजल मैम और मेरा जो आया कैरेबिल पर, उसमें मैं ALP टेक्नीशियन को ध्यान में रखकर ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसे ले सकते हैं, है ना। ये देखो यहां पे लिखा है हमारे सामने, ठीक है, ओके ठीक है भाई। आप लोगों को अगर बेनिफिशियल होगा तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखूंगा इसे एकदम। ये कह रहा है कि टू रेजिस्टर्स ए ऑफ 8 ओम बी ऑफ
12 ओम। देखो दो तार हैं, एक का रेजिस्टेंस 8 ओम का है, एक का 12 ओम का है। इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जोड़ दिया, 8 और 12 को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा सीरीज में। तो कह रहा है यदि V1 और V2 क्रमशः और A और B के प्रति विभांतर हैं, I1 और I2 उनके मध्य धाराएं हैं, तो V1 और V2 का रेशो बताना है, I1 I2 का रेशो बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहां बड़े ध्यान समझो, अगर मुझे करना होना है क्वेश्चन ये, तो मुझे इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को भी नहीं पड़ेगी, एक बार आप समझ लेंगे। देखो ये दो तार हैं, एक है 8 ओम का, एक है मेरे पास में 12 ओम का। इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया कितने वोल्ट की बैटरी के साथ में, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, है ना, 6 वोल्ट की बैटरी। अब सबसे पहले आप ये समझो, जैसे आपने यहाँ पे बैटरी लगाई 6 वोल्ट की, ये तो करंट निकलेगी। अब आपको पता कि अगर ये तार जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जितनी करंट पहले वाले तार से जाएगी उतनी जाएगी दूसरे से। भाई अगर दो तार सीरीज में जुड़े हों तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यानी इनका जो करंट का रेशो आएगा वो तो 1 आएगा, यानी करंट का रेशो तो 1 आना चाहिए। या तो ये आंसर है, ये वाला आंसर है, तो मेरा आंसर ए तो नहीं हो सकता, ना ही मेरा आंसर डी हो सकता। भाई मुझे क्या बताना है, V1 V2 का रेशो बताना है, और साथ में क्या बताना है, I1 I2 का रेशो, सॉरी देन हाँ V1 V2 एंड अच्छा I1 I2 हिंदी में पूरा नहीं लिख रखा है इसने, हिंदी में तो लिख रखा है, करंट थोड़ी सा रेस्पेक्टिव देन V1 अपॉन V2 एंड I1 अपॉन I2, हिंदी में सही लिख रखा है। आपको V1 अपॉन V2 और I1 अपॉन I2 का रेशो बताना है। अगर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जितनी करंट इससे पास करेगी उतनी करंट इससे पास करेगी, तो इससे जो करंट पास कर रही है मान लो 1 एम्पियर, तो इससे भी 1 ही पास करेगी, इससे 4 कर रही है तो इससे भी 4 ही करेगी, तो रेशो आएगा 1:1 का। अब आते हैं वोल्टेज का रेशो। अब आपको मैंने आज की क्लास में पहले ही क्वेश्चन क्या बताया था कि अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर वोल्टेज कम आएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। तो सीरीज में वोल्टेज जो होती है वो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसके सिरे पर ज्यादा आती है, यानी पहले वाले के सिरे पर रेजिस्टेंस वोल्टेज कम आएगी, दूसरे के पाएगी ज्यादा, यानी V1 की वैल्यू होगी कम, V2 की होगी ज्यादा। तो V1 कम होना चाहिए और V2 होना चाहिए ज्यादा। यहां पर देखो V1 ज्यादा दे रखा है, V2 कम, तो यानी कि इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन। समझ रहे हैं बात को सभी, या आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हैं। भाई आप एक चीज देखो, ये रेजिस्टेंस का रेशो क्या है, 8 और 12, 4 दुनी 8, 4 3 12, रेजिस्टेंस का रेशो अगर 2 और 3 है तो वोल्टेज भी 2 3 के रेशो में बट जाएगी, तो टोटल 6 वोल्ट को 2 3 के रेशो में बट लो, तो V1 निकाल लो, तो टोटल वोल्टेज है 6, तो V1 का हिस्सा कितना है 2, कितने में से, 3 2 5 में से, है ना। तो इसे सोल्व कर लेना, 6 दुनी 12 बटे 5, तो कितना जाएगा 5 2 10 5 4 20, तो 2.4 वोल्ट आ गया V1 की वैल्यू। तो टोटल 6 है तो V2 कितना आ जाएगा, 3.6 वोल्ट आ जाएगा। इसका रेशो निकाल लो, 12 दुनी 24 12 36, तो रेशो 2:3 ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाने हैं। देखो आगे से आप कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन को, ऐसे पढ़ोगे कि भाई एक तार 8 ओम का, एक 12 का है, इन्हें सीरीज में जोड़ रखा है और कह रहा है कि V1 V2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है A और B के अक्रॉस, और I1 I2 क्या है, करंट थ्रू देम। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों सीरीज में ही कनेक्ट हैं तो जो करंट इससे पास करेगी वही से पास करेगी, तो इन दोनों से पास करने वाली करंट का रेशो आएगा 1, तो करंट का रेशो 1 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, सीरीज में जुड़े हैं जिसका रेजिस्टेंस कम उसके सिरे पर वोल्टेज कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा, तो वहां से निकाल लिया आपने। समझ रहे हैं बात को, अगला करो। बुक कोई नहीं है अभी मेरी, ना बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये कह रहा है हमारे से, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। देखो बड़े ध्यान समझना, कह रहा है कि जब आप 50 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो करंट आपको मिल रही है 5 एम्पियर की। अगर हम क्या कर दें, व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंसेस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 110 वोल्ट। कह रहे कि अगर 50 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, 50 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो फिर करंट कितनी होगी। भाई मुझे एक चीज बताओ, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू IR। अच्छा उसी तार पे आप पहले 50 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, अब कितने वोल्ट की लगा रहे हैं, 110 वोल्ट की। भाई तार का रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। भाई आप खुद सोचो, अगर आप सेम बल्ब पे पहले 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे, 50 वोल्ट की लगा रहे हो, यानी कि रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। तो पहले हम तार का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो शुरू में हमें वोल्टेज कितनी लगाई हमने, 50, करंट कितनी मिली थी 5, तो रेजिस्टेंस कितना आया इसका, 10 आ गया, 10 ओम आ गया। अब आपने क्या किया, फिर से V = IR लगा दो। अब कह रहा है कि वोल्टेज कितनी लगाई, 110 की, करंट कितनी मिलेगी बताना है, तो जो रेजिस्टेंस पहले था वही अब भी होगा, तो 0 से 0 कट गया, करंट आ गई 11 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आता है। भाई आप एक बात समझो, अगर आपसे कह रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी में करंट मिल रही है 5,
तो 110 पे कितनी मिलेगी भैया? बल्ब तो वही का वही है, तार तो वही का वही है, तो उस तार का रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो 50 वोल्ट पे 5 एम्पीयर करंट मिली, तो यानी कि रेजिस्टेंस था 10। अब 110 पे कितनी करंट मिलेगी हमें निकालना है। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखेंगे, टेक्नीशियन का जब नोटिफिकेशन आएगा तब चलेगा उसमें क्या क्या मांग रहे हैं वो। अच्छा, कोई बच्चा इस क्वेश्चन कर सकता है क्या? ये कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप इज वी इजकल टू 6 ± 0.1 एंड करंट पासिंग थ्रू इट आई इजकल टू 4 ± 0.2 एम्पियर कंसिडरिंग द पावर कंज्यूम्ड वी पी इजकल टू वी आई बाय द इलेक्ट्रिक लैंप विद इन एरर लिमिट वुड बी। देखो आपसे पता क्या कह रहा है कि भाई आपने जो वोल्टेज नापी ना वो वोल्टेज है कितनी 6 वोल्ट तो है, पर उसमें एरर हो सकता है ±0.1 का। ये वोल्टेज इतनी है, जो करंट आपने मेजर की वो करंट कितनी है 4 एम्पियर की है, 4 एम्पियर, लेकिन उसमें एरर हो सकता है ±0.2 का। तो कह रहा है कि जो पावर कंज्यूम्ड होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो पावर का फॉर्मूला उसने हालांकि आपको खुद दे दिया, पी इजगल टू वी आई है ना, तो पी इजगल टू वी आई। तो आप कहेंगे सर वोल्टेज तो कितनी है, करंट कितनी है 4, तो यानी कि पावर कितनी आ गई मेरे पास में 24 वाट। ये तो 24 वाट तो मेरे पास में आ गया, यानी कि मेरा आंसर या तो ये है 24 या ये वाला है, लेकिन 0.24 ये तो नहीं है। अब दिक्कत ये है कि पावर तो आ गई, तो जैसे वोल्टेज में एरर हमें पता है 0.1 का, करंट में एरर पता है 0.2 का, तो पावर में कितना एरर आएगा वो कैसे निकालें? एक कॉन्सेप्ट समझना एक बार। देखो भाई पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, पी इज इक्वल टू वी आई, तो बेटा देखो एरर से निकालेंगे हम, डेल्टा पी बाई पी, इसका मतलब होता है कि पावर में एरर बटे जो पावर आप जो आपने कैलकुलेट की, जैसे 24 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, यानी ये वो है जो वोल्टेज में एरर है, ये वो है जो आपने वोल्टेज कैलकुलेट की, ये करंट में एरर है, ये करंट में जो आपने मेजर की। अब मुझे एक चीज बताओ वोल्टेज में कितना एरर है, डेल्टा वी कितना है 0.1 का, और वोल्टेज एक्चुअल में कितनी मेजर किया आपने 6, करंट में कितना एरर है 0.2 का, और करंट मेजर कितनी कर रहे हैं आप 4, तो इसे आप सोल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1/60 प्लस 1/2/40 यानी कि 1/20 हो जाएगा ये। इसे सोल्व कर लो, मैं यहां पे कर रहा हूं इसे, तो डेल्टा पी बाई पी आ जाएगा हमारे पास में, 60 ले लिया एलसीएम, 60 × 60 = 20 तो 4/60 यानी कि 1/15 ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकाली थी हमने वी आई से 24, तो हमारे पास में था 24 ये 1/15 तो 3 × 15 = 3, 8 = 24 तो 8 को उधर लेके जाएंगे तो 1.6 आ जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी 1.6, तो यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे आप इसे क्वेश्चन खुद कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन दे दी, ये करंट की दे दी, तो पावर का फॉर्मूला क्या है वी आई, तो पहले आप सिंपली पावर निकाल लो, तो 6 × 24 भाई वी आई है ना फॉर्मूला, तो 24 आ गया, लेकिन अब मुझे निकालना है 24 तो आ गया लेकिन पावर में कितना एरर है वो कैसे निकलेगा। तो पावर का फॉर्मूला पी इजगल टू वी आई, तो उसका फॉर्मूला याद रखना डेल्टा वी बाई पी इजगल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अगर वो परसेंटेज एरर पूछता हमारे से परसेंटेज एरर, तो फिर हम यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई भी कर देते हर तरफ, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल क्या निकालना है कि पावर की वैल्यू तो आ गई पर पावर में एरर कैसे निकालें। तो मुझे पता ही है कि डेल्टा वी कितना है 0.1 और वी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे डेल्टा आई कितना है 0.2, आई की वैल्यू कितनी है 4। सोल्व करने के बाद में डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू 1/15 आ गई, और पी हमने कितना सोल्व किया था वहां से 24 किया था, तो सोल्व करके हमारे पास 1.6 आ गया, तो 24 ± 1.6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बात सबको समझ में आई है? अगर आपके पास समझ में आई तो ये वाला क्वेश्चन करो अगले वाला। ये कह रहा है द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, एक संधारित्र की धारिता दे रखी है आपको 2 ± 0.1 μF, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, और आपको बता रखा है कि वोल्टेज कितनी है 20 ± 0.5 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा बताना है, क्यों बताना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सी इजगल क्यू इजगल टू होता है सीवी। अभी वाला फॉर्मूला लगा के आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो आप सिंपली सीवी निकाल लो, तो सी कितना है 2, वी कितना है 20, तो 20 × 40 यानी कि क्या आएगा मेरे पास 40, तो हर ऑप्शन में लिखा हुआ 40। लेकिन अब आपको क्यू के अंदर एरर भी निकालना है, तो जो मैंने पहले किया था उसी वाले फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, तो क्यू इजगल टू है सीवी, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इजगल टू
डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा सी कितना है 0.1 और सी की वैल्यू कितनी है 2, डेल्टा वी कितना है 0.5 और वी कितना है हमारे पास में 20। ये सब सोल्व कर लो तो पॉइंट से एक जीरो आ गया, पॉइंट से एक जीरो यहां पे आ गया, तो मेरे पास कितना हो गया 5×5, 5×20, 0 तो 40 हो गया एलसीएम, 20×2=40, 40×40 3/40 डेल्टा क्यू। अच्छा क्यू कितना निकल के आया था, सीवी से 20 और 2 = 40 आया था, तो यहां पे मेरे पास कितना गया 40, तो 40 से कट गया 40, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 40 + -3 यानी इसका आंसर भी हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो इस वाली वैरायटी को वो आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन आपसे इसमें तो उसने खुद ही बता दिया उसने कि वोल्टेज वी है, करंट आई है और पावर का फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई खुद दे दिया। तो पावर के फॉर्मूले से पहले आप पावर निकाल लो, तो 6×24 आ गया यानी कि 24 वाला आंसर है। अब आपको निकालना है एरर, तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूले पे वापस जाओ, तो डेल्टा पी बाई पी इजल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, तो यहाँ पे आपने सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला देनी रखा था, आपको पता होना चाहिए क्यू इजल टू होता है सीवी, तो फिर यहां से भी आपने क्या किया डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई वी सबकी वैल्यू दे रखी है, सोल्व करके हमारा आंसर आ गया। अरे दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं साथ साथ ही है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 13, इन्हें घर पर ट्राई करना और बताना कि अभी मुझे बताओ जो मैंने बताया क्लास में भी समझ में आया कि नहीं आया है, ये करना, ये आप एक नजर में कर लेंगे अभी। अच्छा आप लोगों को थोड़ा बाहर से आवाज तो नहीं आ रही है, हमारे ना बाहर ना शादी हो रही है तो बहुत तेज डीजे बज रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा आज गम दिया वर्षातनु वाला गाना चल रहा है इस समय आपको तो नहीं आ रही आवाज, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान पे ही डीजे बज रहा हो। ये कह रहा है द लीस्ट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेंड बाय यूजिंग 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 100 ohm इज, देखो ये कह रहा है कि अगर मैं 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm और कह रहा मेरे से कि 100 ओम को अगर मैं इनसे मुझे लीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो कैसे आएगा। अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको लीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, कम से कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो आपको तारों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा समानांतर क्रम में। अच्छा समानांतर क्रम की एक खास बात और है कि अगर तार पैरेलल में जोड़े जाएं तो जो रेजिस्टेंस इनमें सबसे छोटा होगा तो उन सबका इक्विवेलेंट, उन सबका तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम आएगा। तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है 2 ohm, 1 4, 1 1 और 1 100, अगर मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ दूं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इनमें से सबसे छोटा है, 1 ohm, 1 ohm से भी कम आएगा। तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास, ये सी ऑप्शन। नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, तो R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की कितनी है 4, R3 की है 1 और R4 की है 100। इसे आप सोल्व कर लेना, R इक्विवेलेंट आपका एक से भी कम निकल के आएगा, ये करना। क्वेश्चन नंबर 15, ये बिहार के टीचर का मैंने क्वेश्चन उठाया है, ये कह रहा है कि एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पियर एट 110 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर में ना भाई दो कॉइल होती है, एक कुंडली है ट्रांसफॉर्मर में, ये सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर की खास बात क्या है कि जितनी पावर आप प्राइमरी कॉइल को दोगे उतनी ही आपको पावर मिलेगी सेकेंडरी कॉइल पर, तो प्राथमिक कुंडली को जितनी भी पावर दी जाती है सेकेंडरी पर उतनी ही पावर मिल जाएगी। अच्छा पावर क्या होता है वी आई, यानी जो पावर आपने दी उसकी वोल्टेज अगर मैं वी वन ले लूं और करंट आई वन ले लूं, तो जो पावर मुझे मिलेगी उसकी वोल्टेज है वी टू और करंट है आई टू। अब देखो मेरे से पूछ क्या रहा है, उसने कहा हमारे से कि आपको बताना कि जो करंट फ्लो कर रही है प्राइमरी कॉइल से वो बताना है, तो प्राइमरी कॉइल से जो करंट पास करती है वो I1 है, यानी कि मुझे I1 की वैल्यू बतानी है। तो मुझे जो 2 एम्पीयर की करंट मिल रही है 110 वोल्ट पे, यानी कि 2 एम्पीयर ये फिर मेरी सेकेंडरी वाली करंट होगी, तो मुझे कितनी वोल्टेज कितनी करंट मिल रही है 2 एम्पीयर की 110 वोल्ट पर, V1 कितना है 220 और इसे पास करने वाली करंट बतानी है, तो 100 कट जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो जब कभी भी पेपर में ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आए सीधे ये क्वेश्चन लिख देना कि ट्रांसफॉर्मर में जितनी पावर देते हैं हम प्राइमरी कॉइल को उतनी पावर मिलती है सेकेंडरी कॉइल पर, तो पावर होता है वी आई, तो प्राइमरी कॉइल पर जो हमने पावर दी उसकी वोल्टेज वी वन है और करंट आई वन ले ले,
सेकेंडरी पर जो वोल्टेज मिलेगी वो V2 है और जो करंट मिलेगी वो I2 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइमरी से कितनी करंट मिलेगी, तो प्राइमरी में कितनी करंट जा रही है आपको बताना है, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी, यानी आपको I1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो करंट है 2 एम्पीयर की कौन सी होगी, जो 110 वोल्ट मिल रहे हैं सेकेंडरी वाली, तो यानी कि I2 की वैल्यू 2 दे रखी है, वोल्टेज 110 दे रखी है और V1 दे रखा है 220, सोल्व करके 1 एम्पीयर आ जाएगा इसका आंसर। ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करो। रवि रजक करो बेटा सभी। कह रहा है कि टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3D द फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। देखो दो चार्ज हैं, दोनों रखे हैं डी दूरी पर और वो रिपेल कर रहे हैं, रिपेल तभी कर सकते हैं वो अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं ना। तो मान लो कि पॉजिटिव Q1 है, ये पॉजिटिव Q2 है, ये रिपेल कर रहे हैं अगर ये डी दूरी पर रखे हैं, और कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 9 न्यूटन के फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या अगर इनके बीच की दूरी 3D हो जाए, तीन गुना हो जाए, तो अब कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो हमने कल ही पढ़ा था कूलम का नियम, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आप दूरी क्या कर रहे हैं, तीन गुना कर रहे हैं, डी से कितनी कर दी 3D, अब दूरी बेटा आपने तीन गुना कर दी तो दूरी तो नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखो तीन, तो दूरी पे स्क्वायर है, तीन पे स्क्वायर कर दो, यानी कि फोर्स जो है वो पहले का 1/9 गुना हो जाएगा। तो अगर पहले फोर्स 9 न्यूटन का है, अब हो जाएगा 1/9 गुना, तो यानी कि कितना रह जाएगा, 1 न्यूटन ही रह जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी आपने दुगनी कर देते हैं, तो हमने कल पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स 1/4 रह जाएगा, पहले का 1/4। दूरी तीन गुना करेंगे तो फोर्स पहले का 1/9 गुना रह जाएगा, तो पहले 9 था तो 9 का 1/9 आएगा 1 न्यूटन। ठीक है, आज का इसमें थका हुआ क्वेश्चन, इससे थका हुआ क्वेश्चन में ना तो लेके आ सकता था ना टीचर पूछ सकता है। गुप्ता बॉय, राम, ध्यान कुमार, बजरंगी, राजू, रवि, रजक, प्रिंस, इस बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। ये कह रहा है व्हाट एनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन सर्किट, किसी परिपथ में वैद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। देखो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से करंट बनती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के देंगे, जो मेरे से क्लास में नहीं पढ़ा है हो सकता है कि वो उसका गलत आंसर दे दे। तो अगले क्वेश्चन में पहले आप लिखेंगे 18, फिर उसके आगे ABCD लिखना है आपको। देखो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को जो मेरे से एक साल पहले भी पढ़ा होगा, मैंने उसे क्लास में पढ़ा रखा है, और ये बिहार वालों ने 11th 12th के फिजिक्स के पेपर में पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसने कहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत देंगे इसका आंसर अभी। द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स, कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर से किसी चालक से करंट फ्लो कर रही हो, धारा फ्लो कर रही हो, तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की 0, ये आपको बताना है। अब मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, देखो जितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बी, उन सबका गलत है, इसका आंसर बेटा है सी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चों क्या लगता है कि भाई किसी तार में करंट फ्लो करती हो तो इलेक्ट्रॉन के भागने से करती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पट्टी लगा देते हैं। अच्छा मैंने आपको क्लास में थ्योरी में क्या पढ़ाया है कि किसी तार में जो करंट फ्लो करती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के भागने से। अच्छा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, एटम परमाणु से बाहर निकलते हैं। तो भाई मुझे अच्छी बताओ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी जो एटम होता है ना, उसके न्यूक्लियस में अगर 5 प्रोटॉन हैं तो चारों तरफ 5 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। एटम तो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, नेट चार्ज 0 होता है, पर न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन तो चारों तरफ 5 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब उन 5 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो अंदर 3 चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टोटल 5 ही हैं, 3 चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के, 2 बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 5, अंदर प्रोटॉन कितने बैठे, 5। तो अभी भी पूरा पूरा मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वैद्युत उदासीन है। बस अब क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहे, उन मान लो कि पहले 20 प्रोटॉन न्यूक्लियस में थे और 20 इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काट रहे थे, उन 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अंदर 18 हैं, 2 बाहर निकल गए, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 20 ही हैं और अंदर प्रोटॉन भी 20, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना इलेक्ट्रॉन पे, तो नेट चार्ज 0 ही है। तो जब किसी चार्ज में, जब किसी तार में जब करंट फ्लो कर भी रही होती है ना, तो भी उसका नेट चार्ज 0 होता है, इसे ध्यान रखना, ये हमने क्लास में पढ़ा रखा है। बस हमारे जो क्वेश्चन था उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, यहां पे अलग लैंग्वेज है। ये करना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज,
तो निम्नलिखित में से वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला कौन सा है आपको बताना है। जिनमें भी आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे ना, ये समझ जाना कि मैंने बिहार के किसी पेपर से उठाए हैं, बिहार में आते हैं पांच ऑप्शन, वरना ज्यादातर हमने तीन चार क्वेश्चन बिहार के मैंने आज के क्लास में लिए हैं, दो तीन कल की क्लास में लिए थे, वरना बाकी सारे रेलवे के ही क्वेश्चन है ना भाई। हमें वो भी तो पढ़ना है ना जो पूछ सकता है, जो पूछा हुआ है वो तो पढ़ ही रहे हम। तो आपको बताना कि वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको पता है कि वी क्या होता है बेटा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू हमने पढ़ रखा है क्लास में, कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कि आपने कितना वर्क किया, कितना कार्य किया किसी चार्ज को लाने में, है ना। तो हम यहां बताओ वी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा आई टी, क्यू की जगह आई टी रख दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया वोल्टेज का, वर्क अपॉन करंट इंटू टाइम, वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो 19वें का ए आंसर है, राहुल का बी गलत है, विकेट डिड्स का बी भी गलत है, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे इस क्वेश्चन का, ये करना। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, क्या आंसर होगा ये बताना है। बढ़िया गाने चला है, बाहर मजा आ रहा है एकदम। गर्म करने पर देखो बेटा, टेम्परेचर के बढ़ने पर किसी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, याद रखना टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक का घटेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर चालकों का। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना किसके बारे में पूछ रहा है, तो चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। एक्सप्रेशन डिटेल में हमने इसकी थ्योरी क्लास में पढ़ रखी है, ये करना। ये क्वेश्चन मुझे आज ही एक बच्चे ने भेजा था, तो मैंने उस क्वेश्चन को उठा लिया, अगर वो बच्चा लाइव देख रहा होगा तो, या बाद में देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। आज की ही सुबह दोपहर मुझे 12 बजे के आसपास ये क्वेश्चन आया था मेरे पास। ये द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेंड बाय कनेक्टिंग थ्री रजिस्टर ऑफ 1/3 ओम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। प्रिंस कुमार ने आंसर दे भी दिया इतनी जल्दी, बेटा क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ लो पहले। देखो भाई मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं, एक दो तीन, पहला रेजिस्टेंस है 1/3 ओम, दूसरा भी 1/3 ओम, तीसरा भी 1/3 ओम। हमारे से यह कह रहा है आपको डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस में। भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा हमें, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा जब हम तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज में मिलता है मैक्सिमम, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी कितना हो गया 1 ओम। मिनिमम के लिए तार जोड़ने पड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो, तीन है तो टोटल कितना बन जाएगा 1/9 ओम। अब आपको निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का। मैक्सिमम है 1 और मिनिमम है 1/9, तो 9 में से गया तो 8/9 आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि डी करेक्ट आंसर आएगा इसका। तो डी किसने किया, शिवनम गुप्ता बॉय का गलत हो गया, मैथ भाई कुलदीप शर्मा ठीक हो गया, बजरंगी गुप्ता का सही है, सिद्धार्थ कुमार का गलत है, विट्स क्या है इनका नाम गलत है, ये प्रिंस साहू भीम यादव अलग अलग बच्चे में कुछ आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये करना ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अरे अब इसमें क्या ही पूछूं तुम्हारे से मैं ना, देखो ये पूछ रखा है, बच्चे कहते हैं जी एएलपी में टफ क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर, है ना। ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम है, जब तार में एक एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये शायद हम कल की क्लास में कर चुके हैं क्वेश्चन ये ना, चलो शायद दोबारा आ गया जहां तक मुझे लग रहा है। देखो तो आपको बताना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है n, तो आपको पता बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, q बाई टी, है ना, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आवेश से क्वांटीकरण से हमने पढ़ रखा है कि q का फॉर्मूला होता है ne, तो यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो सब सोल्व करेंगे हम, कल कर चुके हैं क्वेश्चन, ये दोबारा से आ गया,
6.25 गुणा 10 की पावर 18 आएगा, n की वैल्यू निकाल लेना। करंट 1 एम्पियर दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और टाइम दे रखा है उसने कितना, 1 सेकंड। ये करो, द एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल इन फॉर्म ऑफ, कल की क्लास में करा था हमने क्वेश्चन वो, हाँ मुझे याद आ रहा है, द एनर्जी स्टोर इन ड्राई सेल। देखो किसी भी सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, होती है केमिकल एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी है ना। अगर कोई वस्तु भाग रही होगी तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई वस्तु जमीन से कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता ही है न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में होती है, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये करो, इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, व्हाट विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 2 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा हो 1 सेकंड में तो कितनी करंट बनेगी। तो करंट का फॉर्मूला में पता ही है क्या होता है, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज फ्लो कर रहा है 2 कूलम का, करंट टाइम है 1 सेकंड, तो करंट बनेगी 2 एम्पियर की। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करो तो ध्यान समझ लेना कि सबकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए। तो टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, सेकंड में ही दे रखा है इसलिए कोई चेंज नहीं करना। चार्ज को हम नापते हैं कूलम में, कूलम ही दे रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। अगर वो यहां पे 2 कूलम की जगह 2 माइक्रो कूलम कहता तो फिर मैं यहां पे लिखता 2 गुणा 10 की पावर -6 लिखता मैं, वो यहां पे 1 मिनट लिखता तो मैं 60 सेकंड लिखता। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ना भूले। ये करो क्वेश्चन नंबर 42। मणिकांत, राधेश्याम, राजू गुप्ता, इंदु, राहुल, करो ये कह रहा है इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज मेंटेन्ड इन ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इन 1 मिनट। देखो कितनी करंट पास कर रही है भाई, करंट पास कर रही है 1.5 एम्पीयर की, तार का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का है, और एनर्जी बतानी है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हो गया सीधे सीधे बदल लो 60 सेकंड। तो कह रहा है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, यानी कि कितनी हीट पैदा होगी आपको बताना है। तो आप मुझे अच्छी बताओ, हीट के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में। हीट का एक फॉर्मूला हमारे पास में है VIT, एक हीट का फॉर्मूला हमारे पास में I2RT, और एक हीट का फॉर्मूला है V2RT। अब आपको यहां पे करंट भी दे रखा है, I भी दे रखा है, R भी दे रखा है, T भी दे रखा है, तो IRT तीनों दे रखा है, तो बीच वाला फॉर्मूला लगा लो आप, H = I2RT। आई कितना है 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5, आर की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम कितना है 60, तो मल्टीप्लाई कर लेना 15 की 15 में 225, 225 और 6 12 13 1350, ये कुछ शायद ही आएगा 1350 वोट वाला है ना। क्या आंसर आप सभी का? सर टाइम चेंज नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, टाइम यही रहेगा भाई। ये करना, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम पासिस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर इन ए सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पर हमने क्लास में कम से कम आपको साइंस स्पेशल में 7-8 क्वेश्चन कराए कम से कम। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 2 कूलम का, 2 बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, तो कह रहा कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q, तो मैं निकालना है W, तो W क्या हो जाएगा Q × ΔV, तो चार्ज है 2, ये है 5, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। वर्क को नापते हम जूल में, ये आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ध्यान रखना, ये गिने चुने हमारे पास फॉर्मूले हैं। एक करंट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे Q/T, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में। एक पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर का फॉर्मूला होता है W/Q, है ना। एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है सीरीज का और पैरेलल का, रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में, उनके फॉर्मूले। एक हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में हीट के। इन गिने चुने फॉर्मूले से ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले 3 दिन से मैं आपसे इन्हीं 4-5 फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सारे के सारे। ये करो, व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल। ये कह रहा है कि तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई एमीटर की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है। तो एमीटर का काम क्या होता है, आप कहेंगे सर एमीटर का काम होता है करंट को नापना, यानी वो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि तार की लंबाई दुगुनी करने पर करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है कि V = होता है IR, तो I की वैल्यू क्या होती है V/R। अब आपने क्या किया कि तार का जो लंबाई है डबल कर दी, भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = ρL/A। अगर आप तार की लंबाई दुगुनी कर रहे हैं
तो बेटा मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि केवल तार की लंबाई दुगुनी करी तो केवल तार की लंबाई पर फर्क पड़ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर तार की लंबाई वो दुगुनी कर देगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दुगुना। अगर यही क्वेश्चन वो कहता कि तार को पिघालकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी गई है, तो मैंने क्लास में बताया था कि जब तार को पिघालने की बात करेगा ना तो फिर तार को आपने मेल्ट किया, लंबाई जब उसकी दुगुनी करेंगे तो फिर मोटाई पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर वो मेल्ट शब्द का यूज करता तो फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, अगर वो मेल्ट शब्द का यूज करे तो अगर तार को पिघल के लंबाई कर दे दुगुनी, तो अब ऐसे केस में करेंगे जितने गुना लंबाई करे, तीन गुना पांच गुना जो भी करे उसका स्क्वायर कर देना, तो जितना स्क्वायर करके आएगा तो रेजिस्टेंस उतने ही गुना हो जाएगा। तो ये हम काम करते हैं मेल्टिंग वाले केस में, खींचने वाले केस में, कि तार को खींच के लंबाई दुगुनी कर दी, तो या तो उसने मेल्ट का यूज नहीं किया शब्द, ना स्ट्रेच करने की बात की, तो हम ये मान के चलेंगे कि लंबाई दुगुनी की तो केवल लंबाई पे फर्क पड़ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो लंबाई दुगुनी करेगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा दुगुना, रेजिस्टेंस लिखा है नीचे तो रेजिस्टेंस करंट रह जाएगी पहले की हाफ, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना मेल्टिंग वाले केस बिल्कुल अलग है, जब तार को पिघाल के आप उसकी लंबाई दुगुनी करते हैं ना, तो तार को पिघाल के लंबाई दुगुनी करने पर केवल लंबाई पे फर्क नहीं पड़ता, तो साथ में तार भी पतला हो जाता है, तो वहां पे अलग केस चलता है। लंबाई पांच गुना, तार को पिघाल के तो रेजिस्टेंस 25 गुना, लेकिन यहां पे पिघालने की बात नहीं की, तो हम सिंपली करेंगे कि लंबाई दुगुनी तो रेजिस्टेंस दुगुना, ये करना 52। बैटरी इज रिलेटेड टू टर्मिनल्स इन द सेम वे एज मैग्नेट इज रिलेटेड टू, कह रहा कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो वैसे रिलेटेड हैं जैसे कि मैग्नेट के रिलेटेड होते हैं पोल्स। भाई आपको पता है मैग्नेट में होते हैं दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे बैटरी में टर्मिनल होते हैं दो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आसान क्वेश्चन था ये, है ना। तो आज की जो क्लास है हमारी अभी समाप्त हो गई है, तो मैंने आपको दो तीन एक दो बातें बतानी है अभी आपको। तो एक तो जो मैंने आपको तीन क्लासेस कराई हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें आपको सारे के सारे ध्यान रखना है ये। अगर इसके अलावा आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, ये तो मैंने वो क्वेश्चन लिए जो एएलपी में टेक्नीशियन में ग्रुप डी में जो लास्ट ईयर में आए थे। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाना और उसमें जाना कि रेलवे ग्रुप डी के नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लेक्चर करा रखे हैं, आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप सब मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, अब हमारी होगी संडे, कल तो नहीं होगी, अच्छा मंडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी इस बार क्योंकि मैं एक शादी में जा रहा हूं, मैंने बच्चों को बताया भी था क्लास में, मैं ऑफ पर भी हूं, करेल की कोई भी क्लास नहीं लूंगा मंडे को, मुझे दूर जाना है, बसेड़ी में जाना है शादी में भरतपुर। तो अब आपके साथ मेरी क्लास होगी ट्यूसडे को, तो आप इन दो दिन जो आपको मिलेंगे इनमें पीछे के तीनों के लेक्चर देखकर इन सबको सारी चीजें समझ लेना, ठीक है। और आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वहीं से समझने की कोशिश करेगा। तो बाकी हम मिलेंगे, तो एक बार जाने से पहले कमेंट कर देना जो भी बच्चे बाद में कि कैसे क्लास लग रही है, क्या क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके सजेशन होंगे मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं खाली टाइम में, तो मैं उन नेक्स्ट क्लासेज में ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू। और बहुत तेज आवाज आ रही है बाहर, तो अभी मैं खुद बहुत जोर से बोल रहा हूँ। बाय एवरीवन, थैंक यू।